मैंने अपना पिछले वीडियो में बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग यूजिंग डिजिटल चैनल्स, और इन्हीं चैनल्स में से एक इंपॉर्टेंट चैनल होता है सोशल मीडिया का। तो अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग को बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाऊं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग यूजिंग सोशल चैनल्स या सोशल प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और भी कई सारे। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, इसके क्या फायदे होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग को किस टाइप से चूज करना चाहिए अपने बिजनेस के लिए, और ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग क्या होती है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग के कौन कौन से सबसे बेस्ट टूल्स होते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम नगराले, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल प्रीतम नगराले पर, जहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सबसे वैल्यूएबल कॉन्टेंट मिलता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा हर फ्री कंटेंट पेड कंटेंट से भी ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम अकाउंट देखोगे तो आपको समझेगा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट पब्लिश करता हूं। मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि मैं सिर्फ बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करूं अपने यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर, ताकि लोग मेरे चैनल से अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकें। इन कंटेंट की वजह से हजारों लोग जिनको डिजिटल मार्केटिंग सीखने में इंटरेस्ट है वो मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं। अभी साथ ही साथ मैं मुंबई में डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग सेंटर भी रन करता हूं। तो जब भी मेरी नेक्स्ट बैच स्टार्ट होती है तो मैं यहां पर अनाउंस कर देता हूं। तो जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, मतलब कि यूट्यूब पर आप इनको सब्सक्राइबर बोलते हो, इंस्टाग्राम पर आप फॉलोअर्स बोलते हो, पर मेरे लिए एक फैमिली है, इनको डायरेक्ट मेरा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग की नेक्स्ट बैच का मैसेज मिल जाता है। अभी हजारों लोग मेरे कंटेंट पर ट्रस्ट करते हैं, तो मुझे अपने नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग की बैच के लिए ना तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और ना ही मुझे मार्केटिंग के लिए बहुत इन्वेस्ट करना पड़ा। ऑलमोस्ट 70% एनरोलमेंट्स मुझे सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट पर अनाउंसमेंट करने से मिल गई। बाकी 30% के लिए मैंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पेड मार्केटिंग किया, अलग अलग टाइप के एड्स बनाकर। इस पेड मार्केटिंग में मैंने 50% नए लोगों को टारगेट किया जिन्होंने मेरे बारे में नहीं सुना था, और 50% मैंने उन्हें टारगेट किया जिन्होंने कभी ना कभी मेरे YouTube के वीडियोस को देखा है और अभी तक उन लोगों तक मेरी ट्रेनिंग की अनाउंसमेंट नहीं पहुंची है, या फिर उन लोगों को जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग में इंटरेस्ट तो दिखाया लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया। दोस्तों, मार्केटिंग के इस तरीके को या इस पूरी प्रोसेस को, जिसमें इस तरह से सोशल चैनल्स का यूज किया जाता है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करने के लिए, उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। मैंने YouTube और Instagram का यूज़ किया, लेकिन और भी कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस में हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातें समझने की कोशिश करते हैं। पहली यह कि मैंने 6 महीने पहले अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था और 6 महीने पहले ही अपना Instagram अकाउंट पर ज़्यादा एक्टिव हुआ था। मेरा YouTube का मेन मकसद है कि लोगों को सही वैल्यूबल कॉन्टेंट दे सकूँ बिना कोई पैसे चार्ज किए। इसलिए मैं हमेशा बहुत मेहनत करता हूँ कंटेंट बनाने के लिए, ताकि कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी लोगों को इजी तरीके से समझ में आए। तो जो मैं ये यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट पब्लिश करता हूँ, इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रांड अवेयरनेस या प्रोडक्ट अवेयरनेस। मैं क्योंकि इंडिविजुअली अपने नाम से करता हूँ तो मैं इसे पर्सनल ब्रांडिंग बोल सकता हूँ। ब्रांड अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। दूसरा ये कि मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग के लिए सिर्फ एक बार अनाउंस किया था जनवरी 2020 में, इस डीमैट 2.0 वीडियो के माध्यम से। अराउंड 70% स्टूडेंट्स इसी वीडियो को देखकर एनरोल किए। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको बिना कोई पैसे लगाए, बिना कुछ इन्वेस्ट किए अगर आपको कोई बिजनेस मिलता है तो उसे ऑर्गेनिक मार्केटिंग कहते हैं। तो 70% बिजनेस मेरा ऑर्गेनिक मार्केटिंग की वजह से हुआ। तीसरा ये कि बाकी 30% एनरोलमेंट्स मुझे पेड मार्केटिंग से आया। इसके लिए मैंने फेसबुक बिजनेस मैनेजर से एड्स रन किए, इंस्टाग्राम पर प्रमोट किया और गूगल एड से यूट्यूब पर भी मार्केटिंग किया। इसके लिए मैंने इमेज और वीडियो दोनों टाइप के एड्स बनाए थे। इसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में पेड मार्केटिंग कह सकते हैं। चौथा ये कि जैसे मैंने बताया था कि पेड मार्केटिंग में 50% मैंने नए स्टूडेंट्स को टारगेट किया था, और 50% में मैंने उन स्टूडेंट्स को जिसने कभी ना कभी मेरा यूट्यूब का वीडियो देखा या मेरी वेबसाइट dematicdigital.com पर विजिट किया है। तो अगर मैं फिर से उन्हीं लोगों को टारगेट करता हूं जो मुझे जानते हैं, जिसने मेरी वेबसाइट या मेरा यूट्यूब चैनल पर विजिट किया है, तो इसे हम रीमार्केटिंग कहते हैं। रीमार्केटिंग एक बहुत पावरफुल तरीका है मार्केटिंग का, क्योंकि ये नए लोगों को टारगेट करने के कंपैरिजन में
काफी सस्ती होती है और बहुत ज्यादा टारगेटेड होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, ब्रांड अवेयरनेस क्या होती है और इसे कैसे कर सकते हैं, ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है और रीमार्केटिंग क्या है और क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं कुछ और समझाऊं, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्यों इतना पोटेंशियल है इंडिया में। स्टेट स्टॉक के अनुसार इंडिया में सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे बहुत फास्ट यूजर्स की ग्रोथ हो रही है। अगर आप ये कुछ फिगर्स देखेंगे, जैसे कि फेसबुक में अराउंड 346 मिलियन यूजर्स है, इंस्टाग्राम पर 80 मिलियन, पिंटरेस्ट में 2 मिलियन, लिंक्डइन पर 62 मिलियन, टिकटॉक पर 120 मिलियन, यूट्यूब पर 265 मिलियन। तो कितना पोटेंशियल है इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पर मार्केटिंग का। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर किसी बिजनेस को सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। पहला है ब्रांड अवेयरनेस। कोई भी इंडिविजुअल या बिजनेस अपनी ब्रांड को बिल्ड करने के लिए सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छे से यूज कर सकता है। सेकंड है कि कोई भी इंडिविजुअल या बिजनेस अपने इन्फ्लुएंस को अपने ऑडियंस तक ग्रो कर सकता है। तीसरा, कोई भी बिजनेस अपने लिए नए नए लीड्स जनरेट कर सकता है जिसको फ्यूचर में वो कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सके। फोर्थ ऑब्जेक्टिव हो सकता है वेबसाइट ट्रैफिक का, मतलब सोशल मीडिया से आप बहुत अच्छे से वेबसाइट ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। फिफ्थ है ग्रोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट्स। हर कंपनी का, हर बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ग्रो करना होता है। सिक्स है बूस्ट योर एंगेजमेंट। आप अपने ऑडियंस के साथ बहुत अच्छे से एंगेज कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। सेवन, कस्टमर सपोर्ट एंड फीडबैक। आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कस्टमर को सपोर्ट दे सकते हो सोशल मीडिया को यूज करके, या फिर अगर किसी कस्टमर को आपके प्रोडक्ट या बिजनेस से रिलेटेड कोई फीडबैक देने का है तो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ईजी तरीके से वो दे सकता है। एट थे क्रिएटिंग ग्रुप्स, कम्युनिटीज एंड चैट्स। इसके बाद फिर से हम एक बार देखेंगे कि ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है और क्यों दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हम पहले देखते हैं कि ऑर्गेनिक सोशल मीडिया कंटेंट क्या होता है। ऑर्गेनिक कंटेंट वो होता है जो कि आप अपने प्रोफाइल पे या फिर अपने पेज पे पोस्ट करते हो। ऑर्गेनिक रीच का मतलब ये होता है कि आप अपने पेज या प्रोफाइल पर कुछ पोस्ट करने के बाद ये पोस्ट कितने लोगों तक फ्री में पहुंच सकती है। ऑर्गेनिक कंटेंट में आप किसी भी प्रकार से पैसा नहीं लगाते हो, इसलिए इसे ऑर्गेनिक यानी नेचुरल कहा जाता है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि अगर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हो तो पेड मार्केटिंग क्यों करें। दिन ब दिन फेसबुक और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स की रीच काफी कम होती जा रही है। वैसे तो ऑर्गेनिक रीच में डिक्लाइन के कई कारण हैं, लेकिन यहां पर 3 इंपॉर्टेंट कारण के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। पहला इंपॉर्टेंट कारण यह है कि फेसबुक और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लोग फोटोज एंड वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप सिर्फ फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पर डेली 3.5 करोड़ फोटोज अपलोड होते हैं, मतलब कि हर सेकंड में 4,000 फोटोज। तो इससे ऑर्गेनिक रीच का क्या लेना देना, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो मेरे फेसबुक पर 5,000 के करीब फ्रेंड्स हैं। अगर 5,000 में से डेली सिर्फ 20% लोग भी कुछ फोटो या वीडियो पब्लिश करेंगे तो मुझे डेली 1,000 लोगों के अपडेट न्यूज फीड में देखने को मिलेंगे। कोई भी इंसान इतने पोस्ट नहीं देख सकता है और फिर 90% से ज्यादा इग्नोर करने लगता है, और इसमें अगर किसी का इंपॉर्टेंट अपडेट हुआ तो मैं उसको मिस कर सकता हूं। तो फेसबुक क्या करेगा कि आप जिन लोगों के फोटोज और वीडियोज पर ज्यादा एंगेज होते हो सिर्फ उन्हीं के अपडेट्स आपको सबसे ज्यादा दिखाएगा। एंगेज मतलब उसके फोटो पर लाइक, शेयर और कमेंट करना। इससे प्रॉब्लम ये होगा कि मुझे तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट अपडेट दिख रहे हैं, लेकिन जो इंसान मेरी फ्रेंड लिस्ट में है या कोई बिजनेस पेज है जिसको मैंने लाइक किया है, लेकिन मैं उस फ्रेंड की पोस्ट से या बिजनेस पेज से ज़्यादा एंगेज नहीं करता हूँ जो कि मुझे कुछ दिखाना चाहता हो फेसबुक पर पब्लिश करके, तो उसका मैसेज मुझ तक नहीं पहुँच पाएगा। इसी वजह से सोशल चैनल से ऑर्गेनिक रीच कम होती जा रही है। आपको अगर आपकी ऑर्गेनिक रीच बढ़ानी है तो आपको वैल्यूएबल और मोस्ट एंगेजिंग कंटेंट डालने पड़ेंगे। दूसरा कारण यह है कि फेसबुक और दूसरे सोशल चैनल्स नहीं चाहते कि कोई उनका प्लेटफॉर्म को छोड़कर बाहर जाए। मतलब कि अगर आप कुछ पोस्ट करते हो और उसमें आप कोई लिंक ऐड कर देते हो तो फेसबुक को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो आपकी पोस्ट को ज़्यादा लोगों तक पहुँचने नहीं देगा। तीसरा ये कि फेसबुक पैसा कमाना चाहता है और उसका मेन रेवेन्यू सोर्स है फेसबुक एड्स। इसके लिए वो कहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट और सर्विस को पहुँचाना है तो पेड मार्केटिंग करो। तो अभी हम देखते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के कौन कौन से सबसे बेस्ट वाले प्लेटफॉर्म्स हैं। वैसे तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, लेकिन ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, टिकटॉक, कोरा, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप, मीडियम और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप आज की बात करें तो ये 3 प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, लिंक्डइन और टिकटॉक काफ़ी अच्छे हैं जहां से आपको काफ़ी अच्छी ऑर्गेनिक रीच मिल सकती है।
लेकिन इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से आपके बिजनेस के लिए कौन से प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट हैं? जरूरी नहीं कि हर चैनल आपके बिजनेस के लिए बेस्ट हो, या ये भी जरूरी नहीं कि हर चैनल से आपको अच्छा बिजनेस मिले। आपको राइट सोशल प्लेटफॉर्म चूज करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, मतलब आपके बिजनेस का नेचर क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस किस टाइप की है, आपका बिजनेस B2B है या B2C, आपका टारगेट मेल है या फीमेल, एज ग्रुप क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, किस प्लेटफॉर्म पर और किस समय में वो ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आप ज्यादा आइडियाज के लिए ये इन्फोग्राफिक्स यूज कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स चूज कर सकते हैं और अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बना सकते हो। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं जो कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कॉन्टेंट इज किंग, तो आपको हर बार ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आप जब भी कुछ पोस्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो वो हमेशा हाई क्वालिटी की कॉन्टेंट ही हो। आप ट्राई करें कि जो भी इमेज या वीडियो आप पोस्ट करते हैं वो क्रिएटिव हो, प्लस यूजर्स को वैल्यू ऐड करें, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग पूरा का पूरा एंगेजमेंट का गेम है। जितने ज़्यादा लोग आपके कंटेंट के साथ एंगेज करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके ब्रांड के ग्रो होने के। तो अब ये सवाल आता है कि हाई क्वालिटी क्रिएटिव कंटेंट कैसे बनाएं और उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कैसे पब्लिश करें। बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं और उसे स्केड्यूल कर सकते हैं। इन टूल्स को यूज करके आप अपना बहुत सारा टाइम भी बचा सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग में जितने भी टूल्स लगते हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे ग्राफिक्स टूल्स में कैनवा, क्रेलो, स्टेंसिल, स्नैपा, वीडियो बनाने वाले टूल्स में एनीमोटो, एनीमेकर, एडोबे प्रीमियर प्रो। सोशल मीडिया में आपके पोस्ट को स्केड्यूल करने के लिए जो एप्स होते हैं वो है बफर, हूटसूट, सोशल पायलट। तो अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी करियर में हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या आप सोशल मीडिया यूज करते हैं मार्केटिंग के लिए? अगर करते हो तो आपके क्या गोल्स हैं और कौन से प्लेटफॉर्म यूज करते हो, कमेंट के थ्रू बताइए। अगर आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड कोई अच्छी टिप्स है जो दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बताइए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए।